उ नॉलेज क्वेश्चन इज वॉट इज मीन बाइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर इट वॉट इज अन डिफरेंस बिटवीन एरोपिशन एंड एन एरोशन तो देख रहे हो यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में कितने सारे सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिये पहले आपको रेस्पिरेशन का मीनिंग बताना है देन उसकी वर्ड इक्वेशन बतानी है और उसके बाद आपको डिफरेंस बताना है एरोबिक रेस्पिरेशन और अन एरोबिक रेस्पिरेशन में तो एक एक करके हर एक पॉइंट का आंसर देते हैं सबसे पहले आंसर व्हाट इज मेड बाय रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन तो फूड जो है हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंच गया क्योंकि डाइजेशन के थ्रू जो है फूड डाइजेस्ट होता है फिर फूड जो है उसके हमने स्टेप्स पढ़े थे जब आपने चैप्टर वन पढ़ा होगा तब आपने स्टेप्स पढ़े होंगे तो चैप्टर वन के अकॉर्डिंग चैप्टर टू के अकॉर्डिंग जब हमने डाइजेशन कम्प्लीटली पढ़ा था तो हमने क्या देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में कम्प्लीटली फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद फूड कहा जाता है एसीमिलेट होता है एब्सॉर्बन प्रोसेस होता है तो फूड जो है हर एक बॉडी ऑर्गन तक पहुंच गया अब उस फूड से एनर्जी रिलीज होना ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है ये रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू होता है ध्यान रखना है तो वर्ड इक्वेशन क्या होगी जब ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है अब ग्लूकोज कहाँ से आया हमारे फूड में ग्लूकोज ही तो प्रेजेंट होता है तो जब ग्लूकोस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तब एज अ बाय प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड लॉट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हम यूज करते हैं अपने डे टू डे लाइफ वर्क के लिए तो दो क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर हो गए व्हाट इज मेन्ट रेस्पिरेशन और सेकेंड है राइट अ वर्ड इक्वेशन फॉर इट तो हमने दोनों क्वेश्चन को कम्पलीट करा आप थर्ड क्वेश्चन है वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एन एरोबिक रेस्पिरेशन तो फर्स्ट पॉइंट क्या है एरोबिक रेस्पिरेशन में हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही फूड ब्रेक होता है और एनर्जी रिलीज होती है पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन अगर एब्सेंट भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑक्सीजन अगर कम भी होगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि फूड का ब्रेकडाउन होगा एनर्जी रिलीज होगी तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन व्हेन दिस फॉर्म ऑफ रेस्पिरेशन टेक प्लेस इज नोन एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। okay, और वहां पर इन दिस और तो पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन निकल रही है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है वो प्रॉपर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है पर वहां पर गैसेस का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो पाता ये बात आपको ध्यान रखनी है थर्ड पॉइंट इज इट कैन बी फाउंड इन द एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो और दोनों जो है सेल के है सेल के पार्ट्स से, है यहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है पर एन एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली कहाँ होता है साइटोप्लाज्म में होता है सेल का जो जली लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं दीज आर दार्ट ऑफ सेल तो ध्यान रखते हैं एन रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में होता है अगर आपको एक और पॉइंट यहाँ पर देखे क्या कनेक्ट कर सकते हैं एग्जाम्पल्स एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम ह्यूमन एरोमल्स लिख सकते हैं एनिमल्स लिख सकते हैं और एन एरोबिक रेस्पिरेशन में हम यीस्ट लिख सकते हैं यस एन एरोबिक रेस्पिरेशन में ह्यूमन मसल भी काउंट होगा तो आप ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर में ताकि आपका वन पॉइंट और इंक्रीज हो जाए तो आपको जो भी पॉइंट ईजी लगता है आप उन पॉइंट्स को अच्छे से समझो लर्न करो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में काउंट होगा